इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाए, अब आपके पास है ये विकल्प। नई दिल्ली, आयकर रिटर्न समय पर भरना जरूरी है। हालांकि कई बार हालात कुछ ऐसे होते हैं कि आप चाहकर भी अपना रिटर्न समय पर नहीं भर पाते। ऐसे में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस साल आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई थी। अगर इस समय सीमा के भीतर आपने रिटर्न नहीं भरा है तो हम आपको बता रहे हैं अब आप अपना रिटर्न किस तरह भर सकते हैं। पढ़ें, अगर आ जाए इनकम टैक्स नोटिस तो क्या करें? देर से ITR फाइल करने पर जुर्माना। समय सीमा के बाद ITR फाइल करने पर जुर्माने का ऐलान बजट 2017 में किया गया था, जो आकलन वर्ष 2018-19 से लागू हो गया, जिसमें वित्त वर्ष 2017-18 का ITR फाइल किया गया था। उससे पहले संबंधित आकलन वर्ष की समय सीमा पार करने के बाद जुर्माना लादने का पूरा अधिकार असेसिंग ऑफिसर के पास होता था। अब इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 234F डाल दिया गया, जिसके तहत लेट फाइलिंग पर जुर्माना तय कर दिया गया है। कब कितना देना होगा जुर्माना? सालाना 5 लाख रुपए तक की कुल आमदनी वाले छोटे करदाताओं से ज्यादा 1000 रुपए ही वसूले जा सकते हैं। यानी ऐसे टैक्स पेयर्स 31 अगस्त 2019 के बाद और 31 मार्च 2020 के तक जब भी ITR फाइल करेंगे, उन्हें लेट फाइन के तौर पर 1000 रुपए ही लगेंगे। जाने इटर एक में कैसे भरी जाती है सैलरी डिटेल। ध्यान रहे कि अगर किसी इंडिविजुअल की ग्रॉस टोटल इनकम टैक्स छूट की सीमा को पार नहीं करती है तो उसे 31 अगस्त 2019 के बाद और 31 मार्च 2020 तक ITR फाइल करने पर भी लेट फाइन नहीं देना होगा। मौजूदा आयकर कानून के तहत टैक्स छूट की सीमा में आने वाली सालाना आय इस प्रकार है। हालांकि इस मामले में लेट फाइलिंग में एक झोल है। अगर भारत में रह रहे इंडिविजुअल को विदेशी की संपत्तियों से आमदनी हो रही हो और वह देर से ITR फाइल कर रहा हो तो उसे लेट फाइलिंग फीस देनी होगी, भले ही उसकी आमदनी टैक्स छूट के दायरे में ही हो।